एनआर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बिलासपुर में अब ईएनटी और स्किन स्पेशलिस्ट चिकित्सा सेवा शुरू। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की जोगिंद्रनगर इकाई के पदाधिकारियों ने प्रधान जय किशन की अध्यक्षता में मांगों को एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा। प्रधान जय किशन ने बताया कि मौजूदा सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को सुलझाने में उदासीन रवैया अपनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज तक प्रदेश सरकार को सौंपे गए 56 सूत्री मांग पत्र पर कोई चर्चा नहीं हुई और न ही कोई जेसीसी की बैठक आयोजित की गई। प्रधान ने बताया कि उनकी मांगों में पुरानी पेंशन बहाली, फ्रीज डीए बहाल करना, निजीकरण और ठेका प्रणाली बंद करना सहित अन्य ऐसे कई मसले हैं जो लंबे वक्त से लटके हुए हैं। मैं जय कृष्ण, अराजपत्र कर्मचारी महासंघ अध्यक्ष जूनर इकाई, आज 27 जुलाई 2020 को माननीय एसडीएम महोदय के माध्यम से 56 सूत्री मांग पत्र दे रहा हूँ, जिसमें कर्मचारियों से संबंधित निम्न प्रकार की मांगें इस प्रकार से हैं। वेतन आयोग की रिपोर्ट को पंजाब सरकार का इंतज़ार किए बिना तुरंत लागू करें, पुरानी पेंशन बहाल करें, फ्रिज डीए बहाल करें, संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक सरकार तुरंत बुलाएं, पहले से दिए 56 सूत्री मांग पत्र पर सरकार चर्चा करें, अंधाधुंध निजीकरण व ठेका प्रणाली बंद हो, कर्मचारी व श्रमिक विरोधी नीतियां सरकार वापस लें, रद्द श्रम कानूनों को बहाल करें, कर्मचारियों और श्रमिकों की वेतन विसंगतियां दूर हो तथा उन्हें पूरा वेतन मिले। एनआर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बिलासपुर में अब मरीजों को ईएनटी स्किन स्पेशलिस्ट के अलावा निजी क्षेत्र में पैथोलॉजी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध। अस्पताल में मरीजों को 24 घंटे बेहतर चिकित्सा सुविधा, उपचार के लिए बिलासपुर से बाहर जाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा हाईटेक ओटी, स्पेशल वार्ड, एसी रूम, हाईटेक प्रयोगशाला, डिजिटल एक्सरे, उत्कृष्ट नर्सिंग देखभाल। इससे पहले एनआर अस्पताल में सर्जरी एवं न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो, चाइल्ड, आई, गायनी, हियरिंग एड व टेस्ट के अलावा फिजियोथेरेपी सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें